हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का बज रहा है 12:30 और अभी हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी से मार्केट, क्योंकि आज बहुत सारे काम है हमारे पास। और आप देख सकते हैं हमारे फोड़े ये सब निकलने लगे हैं, क्योंकि हमारे घर में कुछ हो और ऐसा ना हो ये भी नहीं हो सकता। तो चलो इनको हटाते हैं और अभी जा रहे हैं बाबू के केक को ऑर्डर देने। और आज है जन्माष्टमी, तो हमारी ओर से सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। और शायद मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी में हूँ। तो अभी घर की पूरी साफ सफाई हो चुकी है, लेकिन घर में डेकोरेशन नहीं हुआ है, तो वो हम लोग केक को ऑर्डर दे देंगे और सारे काम जो बाहर वाले हैं वो कर लेंगे। और बाबू की ड्रेस भी जो है वो स्टिच होने के लिए दिया था, वो भी आज हमें लेने जाना है। तो चलते हैं बाहर और सारे काम निपटाते हैं, उसके बाद करेंगे घर की डेकोरेशन। और शाम को होगी जन्माष्टमी, तो उसका ब्लॉग जो है वो आपको हो सकता है थोड़ा लेट मिले, क्योंकि इस टाइम पे मेरे घर में बाबू का बर्थडे है और जन्माष्टमी सारे फंक्शन जो है वो हैं और मेहमान भी आने वाले हैं। तो आई थिंक एडिटिंग इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, तो आपको ब्लॉग तो देखने को मिल जाएगा लेट लतीफ, लेकिन मिल ही जाएगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं बाहर और फिर आपसे मिलते हैं। चले चलो फिर जल्दी चलो, काम जल्दी जल्दी निपटाओ, काम बहुत है। और मैं आपको बाहर की सफाई थोड़ी मोड़ी दिखा सकती हूँ। अभी ये देखिए ये पूरा रूम साफ हो चुका है। और इसमें एक जो वॉल थी उसमें हमने वॉलपेपर नहीं लगाया था, क्योंकि ये देखिए इस वॉल पे आज नया वॉलपेपर लगाया है। और पता है मेरा गला पूरा बैठ चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बोलना पड़ रहा है, इस वजह से गला भी बैठ रहा है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर सारा टेबल पे सामान रखा हुआ है और ये फ्लावर वगैरह रख के अभी हमको जन्माष्टमी के लिए सजाने के लिए। और ये है गेस्ट रूम, ये साफ़ हो चुका है, बस थोड़ा मोड़ा इसमें जो बाकी है वो सही करना है और सब साफ ही हो गया है। और ये देखिए यहाँ के मैंने कर्टेन भी चेंज कर दिए हैं, क्योंकि इसके पहले जो कर्टेन लगे हुए थे वो अच्छे से मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने इनके कर्टेन चेंज कर दिए हैं। तो ये पूरी तरीके से साफ़ हो गया। यहाँ पे ये नीचे दरी वगैरह भी डाल दिया है, मतलब कारपेट भी डाल दिया है। अभी हम चलते हैं बाहर और उसके बाद यार बहुत काम है, तो अभी जो मेन काम है वो बाहर जाके निपटा लेते हैं, फिर आके यहाँ पर जन्माष्टमी के लिए भी सजाना है। तो अभी चलते हैं बाहर और अभी हम जा रहे हैं। आज धूप बहुत ज़्यादा है, तो हमने अपने फेस को कवर कर लिया है, क्योंकि वैसे भी मेरा फेस देखने लायक अभी नहीं बचा है, तो थोड़ा सा केयर कर लेती हूँ। और भीड़ वैसे ज़्यादा नहीं है, तो सबसे पहले जहाँ हमें बर्थडे करना है हम वहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें वहाँ पर उनसे कुछ बात करनी है, क्योंकि एक ही दिन अब बर्थडे के लिए बचा है, तो जो भी चेंजमेंट है वो आज ही कर लेते हैं। और उसके बाद अब हम आ गए हैं मिस्टर ब्राउन के यहाँ, जहाँ से हमें बाबू के लिए केक जो है वो ऑर्डर देना है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर, जल्दी जल्दी से केक का ऑर्डर दे देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर नमकीन वगैरह भी बहुत अच्छी मिलती है और बिस्किट वगैरह भी मुझे लेने हैं, तो क्योंकि मेहमान आएंगे तो ये सब नाश्ता जो हमें लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ से और भी शॉपिंग कर लेते हैं, मतलब मठरी वगैरह भी ले लेंगे यहाँ से। और ये देखिए जन्माष्टमी के लिए कितने सुंदर सुंदर से केक लग रहे हैं यार, बहुत अच्छा। ये देखिए मटकी में जो केक रखे हुए मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अभी चलते हैं और देखते हैं और ऑर्डर दे देते हैं सबसे पहले, फिर और भी चीज़ें ले लेते हैं। और यहाँ देखिए चेयर्स भी लगी हुई हैं, अगर आप यहाँ पर कुछ खाना चाहते हैं तो खा भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं खाएंगे क्योंकि आज हम बहुत जल्दी में हैं। तो ऑर्डर हो चुका है, अभी हम चलते हैं घर। और अभी आ गए हैं पेट्रोल पंप पर, क्योंकि स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म हो रहा था, तो हम सबसे पहले स्कूटी में पेट्रोल डला लेंगे और घर जल्दी पहुँचते हैं, क्योंकि बाबू की तबीयत ख़राब है। तो अभी हम जा रहे हैं घर। और इधर आ गए हैं हमारे बाबू के कपड़े, लेकिन आज हमारे बाबू की तबीयत खराब है, ये देखिए ये सारा हटा दिए हैं सामान। हाँ, और ये आ गया है मेरा भाई। कैसे बैठे हो? वैसे बहनों के घर में भाई ऐसे ही बैठते हैं, तो ये लोग हमेशा ऐसे ही बैठते हैं आके। तो अभी चलिए हम आपको अपना घर दिखाते हैं, और ऊपर हमने मंदिर भी सजाया है। और जन्माष्टमी है और बाबू का बर्थडे है, इसलिए थोड़ा सा इस टाइम पे सजा रहे हैं। यहाँ पे ये सब कपड़े पड़े हुए हैं क्योंकि बारिश हो रही है। और ये देखिए सब, छोटू ये नेट फिर नहीं रखा अभी उठा के। और ये देखिए यहाँ पर सारी लड़ियाँ लगा दी हैं, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगने, लुक वाइज अच्छा लगने लगता है, तो इसीलिए लगा दी है। और अभी ये सारा सामान हटाना है, मॉर्निंग में भी हटाना था, लेकिन यार काम इतना ज़्यादा है
ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अभी आपको हम अपना रूप दिखाते हैं। और ये देखिए अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अब मुझे टाइम मिला था इसलिए हमने अभी मेहंदी लगाई है। पूरा घर वगैरह सज गया है, मतलब लड़ियां लगा दी हैं थोड़ी मोड़ी जिससे थोड़ा सा लुक अच्छा लगने लगे, और ऊपर मंदिर सजा दिया है जिससे कि जन्माष्टमी कर लेंगे। पहले तो सोचा था कि अच्छे से कर लेंगे लेकिन काम इतना ज़्यादा है और बाबू की तबीयत भी आज ख़राब हुई, उनको जुकाम हो गया है, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपल जन्माष्टमी। वैसे बस इतना ही हमारे घर में होता है, सिंपल जन्माष्टमी हो जाती है, मतलब उस टाइम पे भोग वगैरह लग जाता है और खाना वगैरह बन जाता है, तो यही करना है हम लोगों को। तो अभी हम हेयर वॉश करके निकले ही थे और बाबू को देखा कि इनको इतनी खांसी हो रही थी कि खांसी करते करते इनको वोमिटिंग हो गई, और आज दिन में 2 बार हो चुकी है और कल भी हो गई थी, इसलिए हमने सोचा कि 2-3 दिन पहले इनको फीवर आया था तो हमने नॉर्मली इनको दवाई दे दी थी, मतलब पैरासीटामोल जो है वो दे दी थी, लेकिन इनको खांसी आज बहुत ज़्यादा आने लगी है और कल ही इनका बर्थडे है तो हम इनको डॉक्टर के पास लेके चले आ रहे हैं। अभी रात के 9 बज रहे हैं तो अभी हम दवाई ले लेते हैं। बारिश बहुत तेज़ से हो रही है, काफ़ी देर बैठे रहे लेकिन बारिश बंद ही नहीं हो रही है, और डॉक्टर पास में ही थे तो हम लोग स्कूटी से आए थे। वैसे भी जो कार है वो हमारे घर से नहीं निकल पाती है इस टाइम पे बारिश की वजह से, तो हम लोगों को ई रिक्शा करना पड़ा क्योंकि बाबू अगर भीग जाएंगे तो और इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम लोगों ने ई रिक्शा कर लिया। लेकिन बहुत ठंडी हवा चल रही है तो अभी हम बाबू को पूरी तरीके से अपने दुपट्टे से कवर कर लेते हैं, और कुछ लाए भी नहीं थे छाता वगैरह क्योंकि जब निकले थे तो बारिश नहीं हो रही थी, अचानक से बारिश इतनी तेज़ होने लगी है कि पूरी मतलब सड़क जो है वो भर चुकी है पानी से, तो हमने बाबू को कवर कर लिया है। और अभी यार घर पहुंच के आज जन्माष्टमी भी है तो पूरा प्रसाद वगैरह बनाना था, लेकिन अब देखते हैं कि क्या कर पाते हैं, तो अभी चलते हैं घर और देखते हैं कि क्या करते हैं। अब घर आए हैं और बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा और भीग भी गए हैं थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन हम लोग ही रिक्शे से आए थे तो बाबू ज़्यादा नहीं भीगे, हमने उनको बचा लिया था। और ये धोती नहीं पहन रहे हैं, सब पहन लिया है लेकिन ये धोती नहीं पहन रहे हैं, तबीयत इनकी ख़राब है इसलिए और नहीं पहन रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं घर के मंदिर में और आज है जन्माष्टमी, तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं सजाया है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, और टाइम क्या, बाबू की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है आज कि एकदम खांस रहे हैं और इतना ज़्यादा खांसी आ रही है कि इनको तुरंत वोमिटिंग हो जाती है। एक तो ये दवाइयाँ बिल्कुल नहीं खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, खिलाने में बिल्कुल बहुत परेशानी होती है। तो अभी चलते हैं, हम अपनी पूजा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने भगवान जी को जो है ना गंगा जल से नहला दिया है, और अभी इनको कपड़े वगैरह पहना के फिर श्रृंगार वगैरह करके बहुत सिंपल सा ही सजाया है हमने और सिंपल सी ही पूजा कर दी है, क्योंकि क्या बताएं, आप लोग समझ सकते हैं कि जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है। तो अभी चलते हैं। वैसे भी भगवान जो है वो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, वो हर चीज़ में खुश होते हैं और वो माफ़ कर देंगे, तो भगवान हमें माफ़ करिएगा, बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। और प्लीज़ आप लोग ब्लॉग देखते रहिए और आगे के ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वैसे बाबू की तबीयत ख़राब हो गई है तो कल का बर्थडे कैसे ये करते हैं हमें कुछ भी नहीं पता है, तो प्लीज़ आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।